Oh my God. देखो इसका चेहरा कितनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। मुझे लगता है खूनी ने जानबूझकर इसका चेहरा बिगाड़ा है ताकि इसकी पहचान ना हो पाए। हाँ, उसके हाथ तो पूरी तरह से फूल गए। ये देखो कहीं कहीं से इसकी चमड़ी हरी भी हो गई, ये चमड़ी का रंग भी उड़ गया है। इसका मतलब ये है इस आदमी की मौत 6-7 दिन पहले हुई होगी। जब तुमने वो मिट्टी का सैंपल चेक किया? हाँ सर, चेक किया, लेकिन अजीब बात यह है कि शरीर पर लगी हुई मिट्टी उस जंगल की मिट्टी से अलग है जहाँ से लाश मिली थी। क्या बात कर रही है? हाँ सर, देखिए। देखें। यस, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब इस आदमी को कहीं और दफनाया गया और बाद में इसकी लाश को जमीन से निकाल के उस जंगल में फेंका गया। हाँ सर, हो सकता है। सर, जमीन के अंदर कम ऑक्सीजन होने की वजह से कीटाणु बढ़ने की प्रक्रिया बहुत धीरे हो जाती है। शायद इसी की वजह से इसकी लाश भी पूरी तरह से सड़ी नहीं है। बिल्कुल तारीखा, देखते हैं और क्या बताती है लाश हमें। एक मिनट, ये घाव देखो, ये तो बुलेट वुंड है, लगता है इसे गोली लगी। हाँ, एक मिनट, इसका मतलब इसे बहुत नजदीक से गोली मारी गई है। कमाल है, और देखते हैं क्या बताती है लाश। ओह माय गॉड, अरे का देखो इसकी छाती से पेट तक ये टांकों के निशान, इसका मतलब हाल ही में इसकी सर्जरी की गई। ये चक्कर क्या है, कहीं ऑर्गन चोरी का मामला तो नहीं है? समझ में नहीं आ रहा, इसकी मौत इस गोली की वजह से हुई या फिर देख लो मुझे मालूम किसका फोन। सॉरी। प्लीज। अभिजीत का ही है ना? सब मम्मी का है। श्योर? कौन श्योर? हेलो, हाँ मम्मी। वाकई इसकी मौत गोली लगने से हुई है या? देखता हूँ इसके शरीर में गोली है या नहीं है। कहाँ है? ऐसे तो गोली मिलेगी नहीं, लगता कैमरा डालना पड़ेगा। तो कहीं पकड़ भी नहीं आ रही है। एक मिनट, इसका एग्जिट वुंड देखना पड़ेगा। एग्जिट वुंड तो है नहीं, गोली मिल रही नहीं है। अगर इसे गोली मारी गई होती तो घाव में से खून तो काफी बहना चाहिए, लेकिन इस वुंड को देख के तो लगता है खून ज्यादा नहीं बहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके मरने के 2-3 दिन बाद इसे गोली मारी गई? लेकिन कोई ऐसा करेगा क्यों? ये वाकई कहीं ऑर्गन चोरी का मामला तो नहीं है? कुछ ना कुछ तो चक्कर है। इसके टांकों को काट करके एक बार चेक करना पड़ेगा। बॉडी में से, बॉडी में बम है।
अरे चलो यार, ट्रैकिंग पे आए हो या गार्डन में सैर करने? हिरण की चाल चलो, हाथी की नहीं। कब से ट्रैकिंग करवा रहे हो? अब क्या बच्चों की जान लोगे तुम? या पिछले 3 घंटे से चल रहे है यार, कब आएगा तेरा वो मचान? बस आ गया समझो, यहाँ से 2 घंटे और। What? 2 घंटे और? Not fair राहुल, मैं थक गई हूँ, अब मैं और नहीं चल सकती। मैं भी थक गया हूँ यार। अच्छा ठीक है यार, वो पेड़ दिख रहा है ना, वो हमारा मार्क होगा, वहां पर हम लोग हॉल्ट करेंगे। यार ये राहुल में तो कमाल की ताकत है। रास्ता भी बाय हार्ट है इसको, पिछले 5 साल से ट्रैकिंग पे आ रहा है, अब तो प्रोफेशनल हो गया है वो। यार ये राहुल पेड़ पे निशान क्या बना रहे हैं? अबे मूर्ख, ताकि दोबारा आए तो अपना रास्ता ना भूले। और राहुल हर बार यहाँ पे आके एक एक निशान बना के अपनी काउंटिंग बढ़ाता रहता है। क्या बात है, नाइस। अरे क्या है ये? ओ माय गॉड, अरे अबे क्यों चिल्ला रहा है? लाश की शिनाख्त तो नहीं हुई होगी? नहीं सर, चेहरा इस कदर बिगाड़ दिया गया है कि पहचान कर पाना मुश्किल है। बहुत बुरी तरह से चेहरा कुचला गया है, लगता है किसी भारी वजनदार चीज से इस आदमी का खून किया गया है। इसके शर्ट या पैंट की जेब में कुछ मिला? नहीं सर, लाश को देख के लगता है कि इसको मरे हुए 10 दिन हो चुका है। एक काम करो, आसपास देखो कोई भारी वजनदार चीज मिलती है कि जिससे इसका खून किया गया। सर सर ये राहुल है, इसी ने लाश को सबसे पहले देखा था। अच्छा राहुल, तुम्हें ये लाश कैसे मिली? सर हम लोग यहाँ ट्रैकिंग करते करते थक गए थे, फिर इस पेड़ के पास आराम करने रुके, फिर अचानक मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया, और उठ के देखा तो पत्तों के बीच में एक लाश पड़ी थी। अरे लाश 10 दिन पुरानी है, तो किसी ने देखा कैसे ने इतने दिनों तक? पता नहीं सर, अक्सर यहाँ लोग ट्रैकिंग के लिए आते रहते हैं। सर इस पेड़ पर किसी ने निशान भी बनाया सर? ये सर, ये सारे निशान मैंने बनाए हैं। मैं निशान इसलिए बनाता हूँ कि रास्ता ना भूलूं और आगे निकलूं। सर मुझे लगता है कातिल को पता ही नहीं होगा कि इस जगह पे लोग ट्रैकिंग करने आते, वरना वो लाश को इस तरह से छोड़ता ही नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मरने वाला को ट्रैकिंग करने के लिए आया और किसी ने इसे मार दिया। हो सकता है। एक काम करो, पिछले 15 दिन में जितने भी लोग लापता हुए उनकी एक लिस्ट बनाओ। लाश का चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा, तो इस लाश के शरीर से मिलते जुलते जितने भी लोग हैं उनके नाम और पते इकट्ठा करो। नहीं तारिका, वहीं रहो। बहुत देर हो गई है। डॉक्टर साहब ठीक है सर? उनके सर पर गहरी चोट आई है और बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उनके हाथ की और पेट की चमड़ी बुरी तरह जल गई है। डीसीपी सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की, पर इस वक्त कुछ कह नहीं सकते हैं। Excuse me. ये सब मेरी गलती है। मैं फोन पे बात करने लैब से बाहर चली गई। मुझे डॉक्टर सारुके को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तारिका इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो एक जाल बिछाया हुआ था। सच? हाँ तारिका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो बॉम्ब जानबूझकर उस लाश के पेट में लगाया गया था और फिर उस लाश को जंगल में ऐसे जगह पर डाला गया जहां पर किसी की भी आसानी से नजर पड़े और फिर वो लाश हमारे पास आए। मतलब कोई जानबूझकर सीआईडी के पीछे पड़ा है सर? मुझे तो लगता है सीआईडी से ज्यादा सारुंगी को निशाना बनाया जा रहा है। सारुंगी को?
बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले तारिका कोई खास सुराग मिला था? हाँ सर। क्या मिला था? वो लाश पर मिली मिट्टी का सैंपल, वो जंगल के मिट्टी के सैंपल से अलग था जहाँ से लाश मिली थी। मतलब उस आदमी को कहीं और मारा गया और फिर ट्रेकिंग स्पॉट पे उसकी लाश बाद में डाली गई। हाँ, कोई और सबूत बचा है डॉक्टर तारिका? बस लाश के अलग अलग टुकड़े। तो फिर तारिका, ये जितने भी अलग अलग टुकड़े बचे हैं ना, उनमें से सुराग निकालने की कोशिश करो, ढूंढो अच्छी तरह से। जिसने भी सारुके की जान के साथ खेला है वो अब मेरे हाथों नहीं बचेगा। क्या सारुके की गवाही की वजह से कितने लोगों को सजा हुई थी, लिस्ट मिली? सर, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, इसलिए मैं लिस्ट को शॉर्टलिस्ट कर रही हूँ। हाल ही के केसेस देखो श्रेया, पुराना केस होता तो इतना टाइम नहीं लगाएगा बदला लेने के लिए। अभी का कोई केस होगा सर? हाँ तारिका। सर, एक नई बात पता चली है। वो क्या? लाश के दाहिने पैर में से एक स्टील प्लेट मिली है। स्टील प्लेट? मतलब उस आदमी की सर्जरी हुई एक्सीडेंट वगैरह की वजह से? हाँ, हो सकता है। तो गायब लोगों की लिस्ट चेक करो, देखो किस आदमी के दाहिने पैर की सर्जरी हुई है। और लाश के अंदर जो गोली मिली उसका क्या पता चला? सब ब्लास्ट के वजह से वो भी गायब हो गई। तो बंदूक अगर मिली भी तो भी पता नहीं लगा सकते कि वो गोली उसी बंदूक से चली थी या नहीं। सर। हाँ। सर, एक आदमी के बारे में पता चला है। कौन? राजेश, वो गायब है और मेडिकल एसोसिएशन से पता चला है कि उसने अपने दाहिने पैर की सर्जरी करवाई थी। अच्छा, राजेश, राजेश। क्या आप पूरा यकीन है सर कि वो राजेश ही है? जी, उसी की लाश मिली है हमें। ये कैसे हुआ सर? किसने मारा मेरे बेटे को? हमारी तहकीकात चल रही है। आपको किसी पे शक है? नहीं सर, मुझे किसी पे शक नहीं। राजेश का कोई दुश्मन, किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, कोई बदला लेना चाहता हो उससे? राजेश अपने काम से मतलब रखता था, झगड़ा तो दूर की बात है, वो किसी से बात तक नहीं करता था। बहुत खुददार था मेरा बेटा, अपने पापा के खुशहाल बिजनेस के साथ जुड़ सकता था, लेकिन नहीं, उसे अपनी मेहनत से अपनी नई पहचान बनानी थी। अच्छा, आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? 7 दिन पहले, 30 तारीख को। अच्छा, आपने कहा कि वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था, तो काम को लेके कोई टेंशन था उसे? हाँ, काम के मामले में तो अक्सर वो टेंशन में रहा करता था। वो बहुत दिनों से प्रमोशन की ताक में था, उसने बहुत मेहनत भी की थी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसके ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, उसे भी प्रमोशन चाहिए था। राजेश बहुत चिंतित हुआ कि अगर उस लड़की को प्रमोशन मिल गया तो उसकी बारी अगले साल ही आएगी। अच्छा, उस लड़की का नाम क्या है आपको पता है? सुष्मिता नाम था उसका। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि प्रमोशन की लालच के वजह से मैंने राजेश का मर्डर किया? काफी समझदार हैं आप। आप गलत समझ रहे हैं, ये सच नहीं है। तो सच क्या है, आप हमें समझा दीजिए। TGN कॉर्पोरेट अपॉइंटमेंट लेटर? जी हाँ, मेरे नाम का है। एक हफ्ते पहले ही मुझे इस कंपनी में नौकरी मिल गई थी, दोगुनी सैलरी, इसीलिए मैंने लोन लिया था ये सोचकर कि अगर यहाँ पर प्रमोशन नहीं हुआ तो यहाँ की नौकरी छोड़कर मैं DGN की कंपनी ज्वाइन कर लूंगी। लेकिन प्रमोशन तो आपको मिल ही गया। प्रमोशन तो राजेश को ही मिला था, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी की वजह से मुझे प्रमोशन दिया गया। मुद्दे की बात यह है कि मुझे उसका कत्ल करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब तो आप मेरा यकीन कर सकते हैं ना सर? सर, राजेश के ड्रॉअर में से मुझे ये गिफ्ट पैक मिला है। हार्ट शेप पेंडेंट, वो भी गिफ्ट पैक में? जरूर किसी को तोहफा देने के लिए खरीदा होगा। किसी को नहीं, किसी खास को। एक लड़का ये हार्ट शेप पेंडेंट एक लड़की को तब देता है जब वो उसे प्यार करता हो।
सुष्मिता जी, आपको कुछ अंदाजा है कि राजेश किसी से प्यार करते थे? जी मुझे नहीं पता, अमित उसका करीबी दोस्त था, शायद उसको पता होगा। अमित? यस सर। मिस्टर अमित, आप बता सकते हैं कि राजेश की कोई गर्लफ्रेंड थी? सर यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि बॉस की सेक्रेटरी सुजैन के साथ उसका अफेयर चल रहा था। सुजैन? सुजैन जी, हम समझ सकते हैं आप पे क्या बीत रही है, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। पूछिए, क्या पूछना चाहते थे आप? जिस रात राजेश गायब हुआ उस दिन आपकी उससे बात हुई थी? ऑफिस में लंच ब्रेक पे मिले थे, कुछ 10 मिनट के लिए। डिसाइड किया था कि शाम को हम मूवी जाएंगे और डायरेक्ट मूवी थिएटर के बाहर मिलेंगे, ऐसा तय किया था। मैं 1.5 घंटे तक वेट करती रही, वो नहीं आया। आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, फिर अलग अलग जाने का प्लान बनाया आपने, क्यों? मुझे कुछ काम था इसलिए मैं घर जल्दी निकल गई थी, और राजेश घर जाके चेंज करना चाहता था इसीलिए। अच्छा, आप और राजेश अकेले फिल्म देखने वाले थे या कोई और भी था आपके साथ? मेरे कुछ दोस्त भी आए थे। क्या लगता है आपको, कौन कर सकता है राजेश का खून? पक्का नहीं कह सकती, लेकिन नहीं, रहने दीजिए, मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है। देखिए आप घबराइए मत, आपको जो भी मालूम है आप हमें बता सकती हैं। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड राहुल। राहुल? तुम्हें मिली थी ना राजेश की लाश जंगल में? है? लेकिन बात क्या है, आप लोग यहाँ कैसे? तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, निकल। सॉरी, लेकिन मैंने तो सीआईडी को फोन किया था और आप मुझ पे शक कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। हमें सिखाने की जरूरत नहीं है क्या ठीक है और क्या नहीं, ये तुम्हारी साजिश थी ना, तुम चाहते थे कि राजेश की लाश सीआईडी तक पहुंचे, क्यों? कौन राजेश? मैं किसी राजेश को नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो तुम, क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड सुजैन का प्रेमी नहीं है? हाँ, सुजैन पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी और अब उसकी जिंदगी में कौन है मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? हमें तुम्हारे कॉल से पता चला है कि तुम राजेश को फोन किया करते थे, अगर तुम उसे जानते नहीं हो तो फोन क्यों करते थे? हाँ, हाँ। मैं राजेश को जानता हूं, लेकिन सर वो, लेकिन तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि जब आपने कहा कि वो लाश राजेश की है तो मैं डर गया, मुझे लगा कि आप मुझ पे शक करेंगे। मैं सच कह रहा हूं, मैंने राजेश को नहीं मारा। एक पार्टी में तुमने जानबूझकर अपना ड्रिंक राजेश के ऊपर गिरा दिया था और उसी पार्टी में सब लोगों के बीच में तुमने उसके साथ झगड़ा भी किया था, तुमने उसे धमकी भी दी थी जान से मारने की। ये तो 6 महीने पहले की बात है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुजैन किससे प्यार करती है। सुजैन अब मेरा अतीत है और राजेश की लाश मुझे मिलना ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। तो राजेश की लाश तुम्हें मिलना एक इत्तेफाक था, और उसकी लाश सीआईडी तक पहुंचना भी इत्तेफाक था, और उस लाश के अंदर एक बॉम्ब का मिलना भी इत्तेफाक था। क्यों, क्या तुम्हें ऐसा? तुम्हारे वजह से हमारे डॉक्टर सालुंगे की जान को खतरा है, समझे? बॉम्ब? कैसा बॉम्ब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो आप उस पर राजेश को मारने का इल्जाम लगाते हो और फिर ये डॉक्टर सालुंगे का। सर मैं एक प्रेमी हूं, कोई सीरियल किलर नहीं। अच्छा सर, सर ये प्रेमी राहुल जी के बेडरूम से गन मिली है। राहुल जी, ये गन आपके पास कैसे है? सर वो हिफाजत के लिए, लेकिन मैं कभी चलाता नहीं हूं। और आपकी जान को किससे खतरा? और इस गन का लाइसेंस है आपके पास? नहीं सर वो, सर मैंने चेक भी किया है, इसमें से एक गोली चली है। सर मेरे पास गन है, इसका मतलब ये नहीं है कि राजेश का खून मैंने किया है। जरा सोचिए, राजेश को मारकर उसकी लाश में मैं बॉम्ब क्यों रखूंगा सर? तुम्हें मालूम था कि राजेश की लाश फोरेंसिक लैब में भेजी जाएगी डॉक्टर सारंगी के पास,
जांच के लिए, और तुम डॉक्टर सोलंकी को मारना चाहते थे। मैं उसे जिंदगी में कभी नहीं मिला, तो मैं क्यों उन्हें मारूंगा? वो तो हम पता लगा ही लेंगे, समझे? सर हाँ, क्या पता चले? हमने इस राहुल के बारे में पूछताछ की। हाँ। ये एक सीधा साधा लड़का है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका। हाँ सर, इसलिए ऐसा लगता है कि डॉक्टर सालों के पे हमला करने की कोई वजह नहीं है इसके पास। नहीं नहीं नहीं, कोई तो वजह जरूर होगी, अभी कोई तो वजह है। सर सुजैन कह रही थी कि राजेश घर जाने वाला था तैयार होने के लिए, लेकिन उसके माँ बाप ने बताया कि वो घर पहुंचा ही नहीं था। इसका मतलब है राजेश की मौत ऑफिस और घर के बीच में हुई है। घर के बीच में? काम करो, दुर्योधन जाके अच्छी तरह से छानबीन करो, पता लगा। यस सर। हाँ, हॉस्पिटल से फोन है। हाँ डॉक्टर साहब, साउंड के ठीक है ना? आई सी। क्या हुआ सर? शैतान जिंदा है। क्यों सारंगी, कैसा है? यार मैं तो डर गया था, मुझे लगा कि तू बादलों में चला गया। इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं प्रद्युम्न। अच्छा एक बात बता, कैसे चल रही है तुम लोगों की तहकीकात? ये लो अभी ये देखा, ये नहीं सुधरेगा, अबे आराम कर, नहीं तो रिटायर ही हो जा। देख प्रद्युम्न, बड़ा भाई मैंने तुझे माना है, तो तुम बताओ अभिजीत, रिटायर किसे होना चाहिए? बताओ ना, कैसे चल रही है? बताता हूँ यार, हमें शक है राहुल पर, तो राहुल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। मैं तो किसी राहुल को जानता ही नहीं। वही तो, जब हमने कभी राहुल को गिरफ्तार ही नहीं किया तो फिर वो आप पे हमला क्यों करेगा? वही तो, अब राहुल के घर से हमें एक गन मिली है, राजेश की मौत हुई गोली चलने की वजह से। नहीं प्रद्युम्न, तुम इस गन के चक्कर को तो भूल ही जाओ। क्या मतलब? मतलब ये है कि वो गोली हम लोगों को गुमराह करने के लिए चलाई गई है। मतलब खुनी ने पहले उसे मार डाला और फिर गोली चलाई? हाँ बस, उसके मरने के कम से कम 3 दिन के बाद लाश पर गोली चलाई गई। क्या, मरने के 3 दिन बाद? हाँ विजीत, ऐसा कोई क्यों करेगा सर? और विजीत, अगर गोली उसके मरने के 3 दिन बाद चली है तो फिर इस राजेश की मौत हुई कैसे? लगता है किसी गहरे चोट का निशान है, ये खोपड़ी इस तरफ से दबी हुई है। सर एक और सुनसान इलाका है जो राजेश के घर और ऑफिस के बीच में पड़ता है। बाकी सब जगह पर तो देख लिया हमने, अब बस यही एक सुनसान इलाका बचा है। इसके आगे तो बिल्डिंग ही शुरू हो जाती है, जहां पर सुबह शाम लोगों की भीड़ होती है। और सर अगर इतनी भीड़ में खूनी हमला करता तो कोई ना कोई उसे देख लेता। निखिल, हमें इसी एरिया को अच्छी तरह से छान मारना है। इस तरह का दबाव तो किसी भारी चीज से ही हो सकता है, किसी नुकीली चीज से नहीं। यस। तारिका, क्या मिला? सर ये देखिए, ये राजेश की खोपड़ी, ये यहां से दबी हुई।
वैसे किस चीज से मारा है? सर ये हथियार कोई नुकीला लंबा या धार वाला नहीं, बल्कि मजबूत और वजनदार था, कोई गोल आकार का पत्थर। क्यों सर? ये देखो मुझे क्या मिला है, मगर इस बार गेंद नहीं है, पत्थर है, पत्थर, खून से सना हुआ पत्थर। पत्थर? बीच रास्ते में राजेश को पकड़कर पत्थर से क्यों मारा? पत्थर से क्यों मारा जबकि इतनी सारी प्लानिंग की रखी थी उसने, लाश का मिलना, गोली का निशान, स्टिचेस, और फिर लाश के अंदर बॉम्ब रखना। इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद उसने राजेश को पत्थर से मारा, क्यों? ये जगह देखो निखिल, यहां की मिट्टी जमी हुई नहीं है, लगता है इसे हाल ही में खोदा गया है। क्या हुआ, क्या मिला आप लोगों को यहां? सर वहां से हमें खून से सना हुआ पत्थर मिला सर। राजेश के सिटी स्कैन के रिपोर्ट के मुताबिक वो पत्थर करीब इतना ही बड़ा और ऐसे ही आकार का था जिसे राजेश की मौत हुई। और ये देखिए सर, यहाँ पे शायद मिट्टी खुदी हुई है। हाँ लगता तो कुछ ऐसे ही है। अगर राजेश की लाश पहले यहाँ पे दफनाया गया है तो जरूर कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा। डॉक्टर तारिका ने कहा था कि खूनी ने राजेश को पत्थर से मारा था और उसने ये सोच समझ के नहीं किया बल्कि अचानक आवेश में किया, तभी तो उसने पत्थर से वार किया राजेश पे, और फिर घबराहट में खूनी ने राजेश की लाश को यहाँ पे दफना दिया। और जल्दबाजी में हमेशा की तरह गुनेगार कोई ना कोई सुराग तो छोड़ता ही है। सर सर खून से सना हुआ इतना बड़ा पत्थर गाड़ के रखा है, अब समझ में आया। खूनी ने पहले राजेश के सर पे इस पत्थर से मारा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, और फिर उसकी लाश को यहाँ पे गाड़ दिया और इस बड़े पत्थर से उसका चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। अब ये हथियार मिल गया है तो गुनहगार भी मिल जाएगा। ये वही पत्थर है जिससे राजेश के सर पे वार किया गया था, और इसी पत्थर पर एक और शख्स के खून के निशान भी मिले। अच्छा किसका खून है वो? सर मैं जस्ट वही चेक कर रही थी अपने क्रिमिनल डेटाबेस से। सर ये देखिए। सर ये तो अजय है, 6 दिन पहले खून के केस में इसे गिरफ्तार किया था हमने और ये अभी भी जेल में है। मैं किसी राजेश को नहीं जानता, और वैसे भी 6 दिनों से तो मैं जेल में हूं। आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा एसीपी साहब। सबूत मिल चुका है, उस पत्थर पे तुम्हारे खून के छींटे मिले हैं जिससे तुमने राजेश का खून किया था, समझे? अच्छा लेकिन जिस दिन बम ब्लास्ट हुआ उस दिन तो मैं जेल में था। आप कुछ साबित नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। चुपचाप अपने उस साथी का नाम बता दे जिसने जमीन से लाश निकालकर उसमें बम फिट किया था। मैं कुछ नहीं बताऊं, ढूंढते रहो ना आप सबूत, तब तक आप सब बारी बारी मरते रहोगे सालुंके की तरह। मर गए वो जो सीआईडी को मिटाना चाहते हैं, अकल के दुश्मन जानना चाहता है साळुंखे अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है साळुंखे। और तेरा वो जो साथी है ना बच नहीं पाएगा हमारे इस चंगुल से, समझे? नहीं बच पाएगा।
तुम दोनों को तो फांसी पर लटका कर ही रहेंगे हम। ध्यान में रखना। सर, इस अजय के बारे में हमने छानबीन की थी, इसका कोई परिवार नहीं है, ये शादीशुदा भी नहीं है, तो कौन है जो इसकी मदद कर सकता है? एक बात बताओ, इस अजय के साथ सेल में कोई कैदी था या यहाँ आसपास किसी कैदी से बात करता हो जो हाल में ही रिहा हुआ? संजय नाम का कैदी उस सेल में था सर, 4 दिन पहले ही रिहा हुआ है। संजय, यही होगा अभिजीत, अजय का साथी। उठाओ इस संजय को। सर, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। अजय जेल में मेरे साथ था, लेकिन सिर्फ थोड़े दिनों के लिए। अजय ने तुम्हें किसी खून के बारे में कुछ बताया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, वो तो मुझसे बात भी कम करता था। झूठ! केले साहब ने बताया कि तुम दोनों की अच्छी दोस्ती थी। नहीं सर। 4 दिन पहले तुम जेल से छूटे हो और 3 दिन पहले राजेश के बॉडी में बॉम्ब फिट किया गया था। हमें लगता है वो बॉम्ब तुमने ही लगाया था। मुझे सर कुछ नहीं पता, जेल से छूटने के बाद मैं सीधा सुधार केंद्र को चला गया। आप चाहे तो वहां पूछ सकते हैं, मैं रात वहीं था सर। क्या अजय ने तुम्हें जेल से छूटने के बाद कोई काम दिया था? हाँ, एक छोटा सा काम दिया था। कैसा काम? सर, एक लिफाफा को पोस्ट करने के लिए बोला था, मुझे लगा चिट्ठी है इसलिए मैंने हाँ कह दिया, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ था मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा, तो फिर लिफाफे पर क्या पता लिखा था वो तो याद होगा तुम्हें। आदुपर, क्या हुआ भाई, कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? लेकिन मैंने किया क्या है? गुनाह। गुनाह? कौन सा गुनाह? अजय के साथी हो ना तुम? मैं किसी अजय को नहीं पहचानता। झूठ मत बोलो, हमें उस लेटर के बारे में पता चल गया है जो अजय ने जेल से भिजवाया था। मुझे ऐसा कोई लेटर नहीं मिला, ये सब क्या हो रहा मेरी समझ में नहीं आ रहा सर। एक हाथ पड़ेगा सब याद आ जाएगा, समझा? राजेश का खून क्यों किया तुमने और फिर उसकी लाश में बॉम्ब क्यों रखा? वो तो अच्छा हो कि साळुंखे सर की जान बच गई। बॉम्ब? साळुंखे? ये सब क्या हो रहा है? देखिए, मैं खून कर ही नहीं सकता सर। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि मैं अंधा हूं सर। ओ, अंधे हो इसीलिए सोफे पे बैठकर ये टीवी देख रहे हो? नहीं सर, मैं केवल साउंड सुन रहा था। अच्छा, सीआईडी के चंगुल में फंस गए तो अंधे बनने का नाटक करने लगे? आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं है तो प्लीज ऊपर ड्रॉअर में मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट रखें, आप प्लीज चेक कर लीजिए, अमर नाम से। मिनट। कैसे हुआ ऐसा? वो कुछ समय पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था सर, जिसमें मेरी दोनों आंखें चली गई। सर, अगर ये पढ़ नहीं सकते तो फिर अजय ने इन्हें लेटर क्यों भेजा? लेटर? लेकिन मुझे तो कोई लेटर नहीं मिला सर। अच्छा, जरा घर की तलाशी लेना। सर, सर, मेडिकल सर्टिफिकेट्स। घर में और कौन रहता है? कोई नहीं सर, मैं अकेला रहता हूँ। कोई और जो यहाँ आता जाता हो, कोई काम वाली भाई, कोई रिश्तेदार वगैरह? नहीं सर, मैं अपना ख्याल खुद रखता हूँ, रिश्तेदारों के पास मेरे लिए समय नहीं है और किसी काम वाली पर मुझे भरोसा नहीं है सर। सर, सर घर में कोई लेटर नहीं मिला। वाह, इसका मतलब कोई वो लेटर यहाँ से ले गया। हाल ही में यहाँ कोई आया था आपसे मिलने के लिए? हाँ, एक सेल्स गर्ल आई थी, वो शैम्पू और साबुन बेचने के लिए। लेकिन सर, मुझे वो साबुन और शैम्पू बेचने वाली कम परफ्यूम बेचने वाली ज्यादा लग रही थी। वो क्यों? क्योंकि जब मैंने दरवाजा खोला, जैस्मिन की तेज खुशबू आने लगी सर। जैस्मिन की खुशबू? सर, ये जैस्मिन वाला परफ्यूम तो सुजैन लगाती है, राजेश की गर्लफ्रेंड। मतलब सर, सुजैन यहाँ सेल्स गर्ल बनकर आई और वो लेटर लेकर चली गई। और उसे पता था कि मिस्टर अमर देख नहीं सकते। कुछ और याद आ रहा है आपको? यस सर, वो जब साबुन और ब्रोशर निकाल रही थी तो कुछ मुझे
बेल बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे लगता है उसके पर्स में ऐसा कुछ लगा हुआ था जिससे वो घंटी बजने की आवाज आ रही थी सर। इसका मतलब इस साजिश में सुजैन का हाथ तो पक्का है। अंदर लेके आ। जी सर, यस सर, हाँ यही परफ्यूम उस लड़की ने लगाया था। सर उस दिन वो जो लड़की आई थी उसके पास से भी ऐसी आवाज आ रही थी सर। इसका मतलब वो सुजैन ही है जो ये सब कर रही है। सर ऊपर के कमरे से मुझे साड़ों के साहब के घर का एड्रेस मिला है। क्या? माय गॉड, इसका मतलब वो साड़ों के साहब के पीछे पड़ी है। अरे आप, रीता नर्स किधर है? उसे आज कुछ काम था इसलिए मैं आई हूँ। सालुंखे साहब कमरे में है अपने, मैं आधे घंटे में आती हूँ। अजय की प्रेमिका। बताओ सुजान, क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि मैं अजय से प्यार करती थी। और राजेश? राजेश मुझसे प्यार करता था, तू मेरे पीछे पागल था। तो फिर राजेश को मारा क्यों तुमने और अजय ने मिलकर? मैं और अजय शादी करना चाहते थे लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। जब मुझे पता चला कि राजेश के परिवार वाले बहुत अमीर हैं, मैंने ये बात अजय से कही। उसी ने प्लान बनाया कि हम राजेश को किडनैप कर लेते हैं ताकि राजेश के परिवार वालों से तुम उसकी जान के बदले लाखों रुपए ऐंठ सको, है ना? हाँ, मैंने राजेश को मॉल में बुलाया मूवी देखने के लिए और वो घर जाके चेंज करके आने वाला था और रास्ते में
रास्ते में अजय उसे किडनैप करने वाला था, लेकिन किडनैपिंग का प्लान फेल हो गया। हाथापाई में अजय ने राजेश के सिर पे पत्थर मारा और राजेश की मौत हो गई। राजेश की लाश के अंदर बॉम्ब क्यों फिट किया? बदला लेने के लिए। डॉक्टर सालंकी? हाँ, 2 साल पहले सीआईडी ने मेरे पापा को गिरफ्तार कर लिया और यही डॉक्टर सालुके के वजह से आज तक वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और जब कुछ दिन पहले सीआईडी ने अजय को भी गिरफ्तार कर लिया तो मैंने ठान ली, बदला लेने की ठान ली। और एक गलती हो गई तुम लोगों से, संजय के जरिए अजय ने अमर के यहाँ वो चिट्ठी भेजी तुम्हारे लिए। हाँ, अमर अंधा था इसीलिए हम उसके घर पे चिट्ठियां भेजकर एक दूसरे से बात कर सकते थे। मैंने तो सब प्लान किया था, लेकिन तुम भूल बैठी कि जब तक केस सुलझता नहीं हम सीआईडी वाले चैन से बैठते नहीं। अपने पिता की गलतियों से भी तुमने कुछ नहीं सीखा। 2-2 जुर्म किए तुमने, डॉक्टर सारुंखे पर जानलेवा हमला और राजेश का खून। तुम्हें तो अब शायद फांसी ही होगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।